ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी मिथुन राशि वाले कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मैं महत्वपूर्ण लेकर के आया हूँ, विशेष लेकर के आया हूँ, क्योंकि आपकी राशि से मुख्य और अच्छा संबंध रखने वाले हैं आपकी राशि के मित्र सूर्य महाराज ने राशि परिवर्तन कर लिया है। वह मकर राशि को छोड़कर शनि की राशि में यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 14 मार्च 2023 तक सूर्य की यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। अब आपके लिए विशेष रूप से क्यों? देखिए मित्रों, ज़्यादातर लोगों को पता है कि जो मिथुन राशि वाले जातक होते हैं बड़े बुद्धिमान स्वभाव के होते हैं, किसी भी काम में अपनी बुद्धि जरूर लगाते हैं और यह भी बात पक्की है कि बुद्धि लगा करके काम को अपने सीधा भी कर लेते हैं। टेढ़े काम को सीधा करना ये कोई मिथुन राशि वाले जातकों से जाने, किसी भी फैले हुए काम को किस प्रकार से समेटना है, कैसे दिमाग लगा करके काम को घुमा करके जो घुमा हुआ काम है उसको सीधा करके चलना है, यह मिथुन राशि वालों से समझे। अत्यंत बुद्धिमान तीव्र चालाक बुद्धि वाले होते हैं मिथुन राशि वाले जातक, परंतु दूसरों की भलाई भी करते हैं। बुद्धि भी हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलती और जिस जो बुद्धि का सही इस्तेमाल कर ले उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। तो मिथुन राशि वाले जातक, आप अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल करें ही करें, परंतु साथ में जो सूर्य महाराज का जो राशि परिवर्तन हुआ है वह आपके लिए बेहद शुभ है। क्यों? सूर्य आपके नवम भाव में प्लेसमेंट कर चुके हैं और वहां पर शनि महाराज आपकी राशि के जो मुख्य कारक ग्रह कहे जाते हैं, एक तरफ आपके मित्र और दूसरी तरफ आपके मूल त्रिकोण राशि के स्वामी, आपके मूल त्रिकोण भाव के स्वामी शनि महाराज, आपके भाग्य भाग्य स्थान के स्वामी भाग्येश और इधर सूर्य महाराज, ये जो युति बना करके आपके बैठे हैं यानी आपके मेहनत के घर और आपका भाग्य, अब दोनों आपस में मिल गए हैं। इधर आपकी मेहनत होगी और इधर आपका भाग्य होगा। अब जब ये दोनों आपस में मिले हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बेनिफिट न करा दिया जाए। हालांकि हम किसी चीज का यहां दावा नहीं करते क्योंकि सबकी कुंडली के ग्रह भी अलग अलग होते हैं और अपने अपने अनुसार प्रभाव देते हैं, परंतु अगर कहीं भी आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो तब तो आप ये समझ लें कि डबल ट्रिपल लाभ सूर्य महाराज यहाँ पर देंगे। अब हम थोड़ा साइंटिफिक होकर इस चीज़ को समझते हैं कि यह लाभ किस प्रकार से आपको होगा, सूर्य कैसे यहाँ बलवान हो रहे हैं ये आप पहले समझ के चलिए। देखिए, शनि की अस्तावस्था बनी हुई है सूर्य के कारण से ही। अब जो कुंभ राशि में प्रवेश किया है सूर्य महाराज ने, तो कुंभ राशि जो होती है वह वायु तत्व की राशि का प्रतीक होती है यानी हवा। इधर जो सूर्य महाराज है वह अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं, तो जब अग्नि का हवा के साथ में मिलन होता है तब क्या होता है? हवा पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु हवा जो अग्नि पर प्रभाव डालती है उससे अग्नि का ताप, अग्नि की प्रज्वलता, प्रगाढ़ता पड़ जाती है, यानी कि अग्नि और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। अग्नि की प्रगाढ़ता बढ़ती है, अग्नि जबरदस्त तरीके से फैलती है। तो इसी प्रकार से आपके नवम भाव के लिए यहां सूर्य महाराज अत्यंत बलवान हो गए हैं, अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं, क्योंकि उन्हें हवा का झोंका मिल गया है और अग्नि हवा के झोंके से अब चारों दिशाओं में अपनी लपटें फैला रही है। ऐसा नवम भाव में आपके हुआ यानी कि भाग्य, तो आपको इस अवधि के दौरान भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। जब व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है तब ऐसा कोई भी कार्य नहीं सृष्टि के अंदर जो वह चाहे और उसे पूरा न कर पाए या वह उसे को कार्य प्राप्त न हो सके, तो यह बहुत शुभ है मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए। सूर्य की शनि की युति आपके नवम भाव में बनी हुई है, तो पिता और पुत्र की युति बनी हुई है। अब इस युति को कई ज्योतिषाचार्य कहेंगे बहुत बुरी युति होती है ये, परंतु आप खुद समझ के चलिए कि जब पिता और पुत्र आपस में मिल जाएं तो भला कोई बुरा हो सकता है? नहीं। पिता पुत्र, पुत्र को पिता का स्नेह यानी कि इस अवधि में प्राप्त होने जा रहा है, तो साथ में आपको शनि महाराज की भी असीम कृपा। आपके लिए तो शनि महाराज वैसे भी अच्छा फल करते हैं, परंतु सूर्य के साथ में आ जाने के कारण से अत्यंत शुभ फल करने वाले हो जाते हैं। हाँ, यदि सूर्य पर शनि की कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ती, क्योंकि शनि की दृष्टि घातक होती है, तब हम कहते हैं कि हाँ सूर्य की जो स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं, परंतु
जब सूर्य जब शनि और सूर्य युति बना करके आए हैं नवम भाव में, तो आपके पिता के लिए, आपके काम के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके धार्मिक कार्यों में रुचि के लिए, आपके भाग्य स्थान के लिए बहुत शुभ हो जाते हैं। दूसरा यह कि सूर्य आपके पराक्रम के भी, आपके मेहनत के भी कारक रहे, तो व्यक्ति ऐसे में अपनी मेहनत करे और मेहनत का फल सूर्य महाराज और शनि महाराज की कृपा से आपको प्राप्त हो। मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए, भाई बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, भाई बहनों से संबंधों में प्रगाढ़ता आए। तीसरे घर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण, यदि घर के अंदर कोई कलेश, कोई फैमिली रिलेटिव, फीमेल रिलेटिव के साथ आपकी वो समस्या चल रही है, अच्छा नवम भाव जो है वह धर्म का भी भाव है, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति पूजा पाठ करता है, उसका फल उसे नहीं मिलता, फिर वह निराश हो जाता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। आपको आपकी पूजा पाठ का पूर्ण फल मिलता हुआ यहाँ सूर्य शनि महाराज अवश्य देंगे, आपकी मेहनत का फल देंगे। इससे पहले भी आपने काफ़ी मेहनत करी जिसका फल आपने देखा हो कि आपको पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हुआ, तो उस मेहनत का भी और अब प्रेजेंट की मेहनत का भी फल आपको यहाँ पर सूर्य शनि महाराज की कृपा से अवश्य प्राप्त होगा। पिता के जो है स्नेह वह भी आपको प्राप्त होगा और पिता की गाइडलाइन में आप कुछ काम कर सकते हैं, पिता की सलाह से आप कुछ काम कर सकते हैं। आप इस अवधि में अपने बड़ों का मान सम्मान करें और कोई भी कार्य आप जब शुरू करें या किसी काम के लिए आप अपने अच्छे काम के लिए आप निकले अपने घर से, तो अपने पिता के चरण को स्पर्श करके, या अगर आपके पिता आपके पास में नहीं है तो उनकी तस्वीर को देख करके उनको नमन कर सकते हैं, मन के अंदर भाव जागृत कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य महाराज की असीम कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। सूर्य का यह गोचर आपकी राशि के लिए बेहद शुभ है, बेहद अच्छा है, आपके भाग्य स्थान के लिए बहुत अच्छा है। अब और चीज़ों पर हम बात करें कि सूर्य यहाँ पर बैठ करके और किन क्षेत्रों में आपके साथ में क्या क्या करा सकते हैं, तो ये सब तो रहा पॉजिटिव, परंतु किसी भी पॉजिटिव चीज़ के साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर होकर के चलता है। तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, उसके अनुसार ही हम अपने आपको पहले प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि सूर्य शनि आपस में बैठे हुए हैं और ये कहे जाते हैं शत्रु राशि, शत्रु भाव कहे जाते हैं, तब यहाँ पर आपके भाग्य को तो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, परंतु शारीरिक रूप से कुछ चीज़ों में आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं क्योंकि शनि की अस्त अवस्था बनी हुई है। अब शारीरिक रूप से किन चीज़ों में नुकसान पहुँचा सकते हैं यह जानते हैं। अब देखिए नवम भाव जो होता है वह आपका पेट, जांग, बाया पैर और पीठ, इनका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि व्यक्तियों को इन अंगों से जुड़ी हुई कोई समस्या, मुख्य रूप से दर्द की समस्या सता सकती है। पैरों में, पिंडलियों में और नसों में खिंचावट देखने को मिल सकती है। कभी कभी रात्रि काल में सोते हुए जैसे नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, वह समस्या आप देख सकते हैं कि आपके साथ में घटित हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ छुटमुट शारीरिक रूप से गतिविधियां आपके साथ में हो सकती हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए कि आपको यदि आप विवाहित हैं तो अपने ससुराल पक्ष में आपको ज़्यादा नहीं रुकना है, नहीं तो इस अवधि में ससुराल पक्ष से कोई लेन देन आप करें या आप वहाँ पर जाकर के रुकें तो पत्नी या ससुराल पक्ष से संबंधों में कुछ आपकी कठोरता बढ़ सकती है, देखने को यह चीज़ मिल सकती है, इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। अब देखिए सूर्य पित्त, हृदय, हड्डी और मस्तिष्क का जो है प्रतिनिधित्व करता है, यानी व्यक्तियों को अपने शरीर के इन अंगों का ध्यान रखना चाहिए या इन अंगों से संबंधित कुछ भी व्याधि या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, उपाय के तौर पर सूर्य महाराज के लिए आप तांबे के पात्र में जल डालें और थोड़ा सा रक्त चंदन या होली डाल सकते हैं और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य की ओर मुंह करके स्नान से निवृत्त होकर के आप सूर्य महाराज को अर्घ प्रदान कर सकते हैं, साथ में ही अपने घर के बड़ों का मान सम्मान कर सकते हैं। जो अतिथि आए उनको साक्षात सूर्य महाराज समझ करके आप उनका सत्कार करें, उनको नमस्कार करें, उनके चरण वंदन करें, अपने से बड़ों का मान सम्मान करें और खास तौर पर अपने पिता की सलाह जरूर लें, पिता का मान सम्मान करें। और ज़्यादा करें तो आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ कर सकते हैं स्नान आदि से निवृत्त होकर,
आप देखेंगे कि सूर्य महाराज की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। ये सभी उपाय आप करें और सूर्य महाराज भी मिथुन राशि वालों पर अपनी कृपा प्रदान करें, शनि महाराज की भी कृपा आपको प्रदान हो, यही हमारी कामना है। और लोक कल्याण की हमारी मुख्य कामना है कि आप सभी लोगों का जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं आप सभी का अच्छा हो, मंगल हो, यही हमारी एकमात्र कामना है। और मित्रों, मुझसे अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श करने के लिए कराने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, लाभान्वित होते रहें और हमें अपना प्रेम और स्नेह देते रहें। इसी के साथ ओम श्री विद्याय नमः।